विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर यानी देश की संसद की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी भव्यता, विशालता और खूबसूरती इस विराट देश के पौरुष को परिभाषित करती है। संसद की पुरानी इमारत के साथ अतीत की बरतानिया हुकूमत की यादें जुड़ी हुई थी। यहाँ से भारतीय संसदीय परंपरा स्थानांतरित होकर स्वनिर्मित संसद की नई इमारत में आने वाली है। ये कई मायनों में पुराने संसद भवन से कहीं अलग है और समय के साथ जरूरी बदलावों और साज सुविधाओं से युक्त है। देश के लोकतंत्रीय व्यवस्था के सुंदर भवन के वास्तुकार है बिमल पटेल, जबकि इनके विचारों को मूर्त आकार देने वाले हैं देश के प्रतिष्ठित उद्यमी रतन टाटा। यदि संसद भवन के वैचारिक संत राष्ट्र विमल पटेल है तो उसे मूर्त आकार देने वाले श्रेय रतन टाटा की कंपनी को है। नए संसद भवन को खास तिकोने आकार में तैयार किया गया है। हालांकि ये पूरी तरह से तिकोना भी नहीं है, लेकिन पहली नजर में ये तिकोने जैसी आकृति को ही परिलक्षित करता है। ये जितना देखने में विशाल है, इसकी क्षमता भी पुराने संसद के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसमें लोकसभा में कुल 888 सांसदों की बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि राज्यसभा में 384 सांसदों की बैठने की व्यवस्था है, जो कि वर्तमान क्षमता से कहीं ज्यादा है, क्योंकि मौजूदा समय में लोकसभा में अधिकतम 590 जबकि राज्यसभा में अधिकतम 280 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। वही नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही 336 से ज्यादा विजिटर्स के बैठने का इंतजाम किया गया है। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत नई दिल्ली स्थित देश के पावर सेंटर का नवीनीकरण किया जा रहा है। नए संसद भवन को लेकर चर्चा है कि इसे खास तौर से भविष्य को देखते हुए तैयार किया गया है, क्योंकि भविष्य में सांसदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में उनके लिए ज्यादा क्षमता वाले संसद भवन की जरूरत थी, जो नए संसद भवन के बनकर तैयार हो जाने पर संभव हो जाएगा। नए संसद भवन की एक और बड़ी खासियत ये है कि दोनों सदनों के जॉइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद साथ बैठ सकते हैं। नए संसद भवन में संसदीय कामकाज के लिए तय योजना के मुताबिक कई अलग अलग ऑफिस बनाए गए हैं, जो आज की हाईटेक जरूरतों को देखते हुए हाईटेक सुविधाओं से युक्त है। यहाँ पर आपको कमिटी मीटिंग के हर रूम में, यहाँ तक की डाइनिंग एरिया और कैफे में भी हाईटेक इक्विपमेंट दिखाई देंगे। इसकी कॉमन रूम्स भी बड़े खास हैं। यहाँ महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज का भी इंतजाम किया गया है। अब बात संसद के संविधान हॉल की करें, जिसके बारे में या फिर जिसकी चर्चाएं इसके निर्माण के वक्त भी आपने कई बार सुनी होंगी। संविधान हॉल नए संसद भवन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, जो कि इस विशाल भवन के बीचों बीच मौजूद है। इसी के ऊपर या इसी के बुर्ज पर लगा हुआ है अशोक स्तंभ, जिसके सींगों के मुख खुले हुए हैं और पैने दांत भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसी चर्चा है किसी हॉल में संविधान की एक विशेष प्रति रखी जाएगी, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ देश के सभी प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें भी लगाई गई है। बता दें कि नई संसद केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इसे बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को साल 2020 के सितंबर में दिया गया था। नए संसद भवन के आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। इन्हें साल 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।